देखिए तस्वीरों में अब यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है और अमर आजाद इनको हिरासत में लिया गया है। यही प्रदर्शन का नेतृत्व भी कर रहे थे और कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उनको वैकल्पिक जो जेल बनाया गया है वहां ले जाया जाएगा। और हम लोगों पे लाठी चार्ज करके अब पुलिस ले जा रही है। दलितों को बलात्कार किया जाता है, उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है, मगर दलित शांतिपूर्ण तरीके से आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो दलितों पे लाठी चार्ज किया जाता है। यही बिहार की सरकार है, यही केंद्र की सरकार है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हिरासत में ले जा रही है और पुलिस हिरासत में लेकर अमर आजाद जो प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे उनको लेकर जा रही है और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और लाठी चार्ज के बाद यहाँ पर अफरा तफरी बन गई थी, अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती हुई, लेकिन जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें आगे नहीं बढ़ने दिया पुलिस ने और डाकबंगला चौराहे पर ही फिलहाल जो जुलूस था उस पर पुलिस का नियंत्रण दिख रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो तस्वीरें राजधानी पटना के हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है, प्रदर्शनकारियों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। भारत बंद के खिलाफ ये सभी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी रखी गई थी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद उनका प्रदर्शन बढ़ता ही चला गया। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर अभी पुलिस थाने पहुंची है, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें पटना के डाक बंगला चौराहे से सामने आ रही है, जहां पर सड़क की ट्रैफिक व्यवस्था तो ठप हो ही गई है। साथ ही साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, डाक बंगला चौराहे से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना की सड़कों का आलम ये है, ये हंगामे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। डाक बंगला चौराहा जो पटना का सबसे पॉश इलाका बताया जाता है, जहां हृदय स्थली बताई जाती है राजधानी पटना की, वहां की स्थिति आप देख पा रहे हैं। पुलिसकर्मी लाख रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एससी एसटी आरक्षण को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया और देखिए पुलिस कर्मियों की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है और साथ ही साथ प्रदर्शन कर्मी भी उतने ही पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उस बैरिकेडिंग को हटाकर वो आगे बढ़ सके। जुलूस को आगे बढ़ाने के खिलाफ पुलिस कर्मियों की तरफ से लाठियां छटकाई गई है। बंद समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने पुलिस के साथ झड़प भी की। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई, वाटर चैनल वहां पर लाया गया और उसके बाद पानियों का बौछार भी किया गया है। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जुलूस को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए पुलिसकर्मी डाक बंगला चौराहे पर मौजूद रहे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एससी एसटी आरक्षण को लेकर भारत बंद की तस्वीरें जगह जगह से सामने आई, लेकिन राजधानी पटना में पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत सारी तैयारियां की गई थी। जिला अधिकारी यानी कि डीएम की तरफ से पहले से ही सभी पुलिस कर्मियों को ये निर्देश दिया गया था कि प्रदर्शनकारियों को आम जनजीवन को अस्त व्यस्त नहीं करने देना है, यातायात सुचारू रूप से चालू रहे इसका खास ख्याल रखना है। और इसी के मद्देनजर पुलिसकर्मी भी सड़क पर मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। राजधानी पटना की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैसे जितनी कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई उतनी ही कोशिश वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से भी की गई है। और ये तस्वीरें हम आपकी आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। संजय, क्या तस्वीरें हैं? जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो अपने आप में बहुत ही भयावह है, क्योंकि बहुत कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई, बावजूद इसके गाड़ियों के शीशों को तोड़ा गया, साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी की। देखिए बिल्कुल, इस वक्त मैं डाकबंगला चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ से अभी से थोड़ी देर पहले काफी अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि अब यातायात को सामान्य किया गया है और वाटर कैनन की गाड़ी लगी हुई है। दरअसल चारों तरफ से प्रदर्शनकारी जो थे यहाँ पर पहुंच गए और चूंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हैं, प्रदर्शनकारी जो थे वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे थे और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो आगे बढ़ने लगे, तो जाहिर सी बात है प्रतिबंधित क्षेत्र रिस्ट्रिक्टेड एरिया है,
आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वो आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया और दूर दूर तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फिलहाल चारों तरफ से जो बैरिकेटिंग हटा दी गई, लेकिन बीएसएफ के जवान भारी संख्या में अभी भी मौजूद है चारों तरफ, और कई आला अधिकारी जो है वो टकमंगला चौराहे पर बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का एक जत्था अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचा है यहाँ पर, जिससे पुलिस के वरीय अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देने की कोशिश है। और ये तस्वीर देखिए, सिटी एसपी की गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। सिटी एसपी हो या एसडीएम हो, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हो, कई डीएसपीज हो, कई थानाध्यक्ष हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यातायात को सामान्य बनाने की कोशिश है, क्योंकि घंटों ये प्रदर्शन चला टकमंगला चौराहे पर। और पुलिस की भरसक कोशिश रही कि यहाँ से प्रदर्शन को खत्म किया जाए, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो आगे बढ़ने पर आमादा थे। और देखिए यहाँ पर वाटर कैनन जो अभी से थोड़ी देर पहले इससे पानियों की बौछार दी गई प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज के बाद, वहाँ पर फिर जो वज्रवाहन है वो भी लगा हुआ है, बगल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है और दूसरी तरफ काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। और फिलहाल यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। प्रदर्शनकारी नहीं माने, वो लगातार प्रतिबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। संजय, हमने देखा कि कुछ तस्वीरों में ये भी नजर आ रहा है कि गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है, उस दौरान वहां पर क्या कुछ हुआ वो जानकारी हमारे दर्शकों को दे। देखिए कई जगहों पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों के साथ वाहन लाए गए थे उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जब्त कर लिया। लाठीचार्ज के दौरान प्रशासन ने जो सख्त रवैया अपनाया उसे प्रदर्शनकारियों के जो वाहन थे उनके आगे के कांच जो है वो बिखर गए, लेकिन फिलहाल उनके काफी संख्या में जूते चप्पल सभी यहीं पर छूट गए और वो यहाँ से दूर दूर तक भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल ये टकमंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी भागे यहाँ से, उनकी संख्या भी अच्छी खासी थी। देखिए संजय, कुछ प्रदर्शनकारी वहां से भाग तो गए, लेकिन क्या इस बाबत आपके पास कोई जानकारी है कि किसी और जगह पर जाकर इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि यहां पर पुलिस का ध्यान आकर्षित है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी राजधानी पटना की अन्य सड़कों पर जाकर इनका प्रदर्शन शुरू हो जाए? देखिये जो जानकारी मिल रही है, कई जगहों पर प्रदर्शनकारी जो है वो जगह जगह जत्थे में प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रदर्शनकारियों का एक जत्था जो है वो टकमंगला चौराहे पर पहुंचा हुआ है और जो अधिकारी हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ पर आप किसी भी तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद, मनाही करने के बावजूद, वो जब आगे बढ़ने लगे तब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर वहाँ पर तमाम चूंकि अधिकारी थे, मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आदेश दिया और पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया गया और दूर दूर तक खदेड़ा गया। वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया है, पानियों की बौछार दी गई और फिलहाल जो हालात है वो पुलिस के नियंत्रण में दिख रहा है। एक जत्था जो है वो लगातार पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा है, क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिशों में जुटा हुआ है यह जत्था, लेकिन पुलिस जो है वो आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही है, क्योंकि यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाती है। और राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था ठप होना मतलब डकमंगला चौराहे का जो अगर ट्रैफिक जो है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका प्रभाव आसपास के इलाकों पर पड़ता है और उससे ट्रैफिक पूरी तरीके से चरमरा जाता है। तो पुलिस की कोशिश है कि इस